लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। लॉकडाउन की त्रासदी और तंगी के बीच कोई भी मजदूर या नागरिक भूखा न सोने पाए, इसके लिए विजय नाहटा फाउंडेशन नवम्बई में खाद्यान्न सेवा कार्यक्रम चला रहा है। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा के मार्गदर्शन में संचालित विजय नाहटा फाउंडेशन ने आज नेरुल और कुकसेत गांव के कई ठिकानों पर नागरिकों को मुफ्त राशन किट का वितरण किया। इस अवसर पर शिवसेना उप जिला प्रमुख दिलीप घुड़ेकर और शहर प्रमुख विजय माने समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विजय नाहटा फाउंडेशन का मकसद हर उस नवम्बईकर तक राशन पहुंचाना है जो कोरोना लॉकडाउन के कारण बेहाल है। पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक लॉकडाउन है, विजय नाहटा फाउंडेशन की यह मदद मुहिम चलती रहेगी। लॉकडाउन से त्रस्त मजदूर तबके को राहत देने आज शिवसेना नेता विजय नाहटा के मार्गदर्शन में कई इलाकों में खाद्यान्न सेवा उपक्रम चलाया गया। विजय नाहटा फाउंडेशन द्वारा खास तौर पर संचालित इस सेवा अभियान की शुरुआत नेरुल के सेक्टर 8 में विभाग प्रमुख रतन मांडवे के वार्ड से हुई। इसके बाद सेक्टर 18 में पूर्व नगर सेवक काशीनाथ पवार और शहर प्रमुख विजय माने के प्रभाग में नागरिकों को खाद्यान्न बांटे गए। राशन किट वितरण का यह कार्यक्रम नेरुल के कुकसेत गांव में भी चला, जहां शाखा प्रमुख प्रहलाद पाटिल के वार्ड में सैकड़ों मजदूरों ने खाद्यान्न हासिल किया। यहां उप जिला प्रमुख दिलीप घोड़ेकर, मिलिंद सूर्य राव, प्रदीप वाघमारे और प्रवीण कामले सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। शिवसेना पदाधिकारियों ने अपने नेता विजय नाहटा द्वारा संचालित खाद्यान्न सेवा अभियान पर गर्व जताया, जिसकी मदद से आज नवम्बईकरों को राशन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक लॉकडाउन है, तब तक विजय नाहटा फाउंडेशन का यह मदद अभियान चलता रहेगा। आज नेरूर पश्चिम मध्ये शिवसेना उपनेते विजयजी नाहटा साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेली 1.5 वर्षापासून जो उपक्रम आहे, त्यातलाच हा उपक्रम आज तिसरा दिवस आहे आणि त्या माध्यमातून आज या ठिकाणी नेरूर पश्चिम मध्ये वाटप करण्यात आलं। नागरिकांच्या चेहऱ्यावरती ज्या वेळेला वाटप करताना जे आम्हाला दिसतं, ते खरोखर वेगळं वाटतं, कारण आज खूप वाईट परिस्थिती आहे आणि त्या परिस्थितीमध्ये नाहटासाहेबासारख्या एवढ्या चांगल्या कर्तृत्व आणि नेत्याचं गेली 1.5 वर्षापासून नवंबरवर लक्ष आहे, त्याबद्दल नाहटासाहेबांचे शतश आभार। जवळजवळ 2 ते 3 दिवस झाले हे अन्नधान्य वाटप नवंबरमध्ये सातत्याने चालू आहे। आज नेरुळ विभागामध्ये प्रभाग क्रमांक 96-97 असेल, प्रभाग क्रमांक 84 असेल, प्रभाग क्रमांक 85-86 असेल, या तिन्ही ठिकाणी आता हे अन्नधान्य वाटप झालेलं आहे। खरं वास्तविकता अनेक लोकांचा रोजगार गेलेला आहे। गोरगरीब जनता या ठिकाणी या कोरोना काळामध्ये होरपळलेली आहे आणि त्यांना एक छोटासा दिलासा म्हणून आदरणीय विजय नाहटा साहेब यांच्या माध्यमातून हे अन्नधान्याचं वाटप केलं जात आहे। आपण पाहताय लोक उत्स्फूर्तपणे या ठिकाणी या अन्नधान्याचा लाभ घेण्यासाठी तो उपस्थित आहेत। खरं वास्तविकता नाहटा साहेबांनी यापूर्वी जवळजवळ 4 ते 5 वेळा या ठिकाणी अन्नधान्याचं वाटप केलेलं आहे आणि आत्तासुद्धा जवळजवळ 8 ते 10 दिवस या अन्नधान्याचं वाटप दिघ्यापासून बेलापूर मतदारसंघामध्ये वाशीपासून ते बेलापूरपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी याचं वाटप होणार आहे आणि याचा लाभ गरजू आणि गरजवंतांना होणार आहे। विजय नाहटा फाउंडेशनच्या वतीने प्रभाग क्रमांक 86-85च्या वतीने या ठिकाणी अन्नधान्याच्या किटचं वाटप करण्यात येत आहे। गेल्या वर्षभरापासून कोरोनाचं संकट पूर्ण देशावर पूर्ण जगावर आहे, परंतु आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एवढ्या मोठ्या संकटाला धैर्याने सामर्थ्याने तोंड देत आहेत आणि त्यांना त्यांच्या जबाबदारीचा काहीतरी खारीचा वाटा म्हणून शिवसेनेचे सर्व कार्यकर्ते विजयजी नाहटा साहेबांच्या सहकार्याने या ठिकाणी संकटसमयी ज्यांच्या ज्यांचे रोजगार गेलेले आहेत अशा गरजू लोकांना या ठिकाणी ही जवळजवळ तिसरी वेळ आहे आणि करोडो रुपयाचं साहित्य या ठिकाणी गेल्या वर्षभर आम्ही वाटत आहोत। नाहटासाहेब गोरगरिबांचा जाण असणारे नेते आहेत आणि उद्धवसाहेबांच्या नेहमीच आमचे शिवसैनिक पाठी असतात। बता दें की मुंबई और नवंबई में लॉकडाऊन चल रहा है, ऐसे में राज्य सरकार जहां कोरोना उपचार इंतजाम करने में जुटी है, वहीं शिवसेना नेता विजय नाहटा नवम्बईकरों के लिए सेवा और सुविधा दिलाने के साथ ही आम जनों और मजदूरों की भूख मिटाने के प्रयास में लगे हैं। विजय नाहटा फाउंडेशन के जरिए नवम्बई में चल रहा खाद्यान्न सेवा अभियान इसका सबूत है। इससे पहले शिवसेना उपनेता की पहल पर एपीएमसी में शिव भोजन थाली प्रारंभ की गई है, जहाँ हर दिन 300 से अधिक श्रमिक भोजन का लाभ उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।